हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। यहां पर देख सकते हैं हमारे पास एक छोटा सा डेटा है। अब ये डेटा काफी बड़ा भी हो सकता है आपके लिए। यहां पर क्लास का नाम दिया गया है, ये क्लास सेवेंथ है, ये क्लास एट है, ये क्लास नाइन्थ है और ये क्लास टेंथ है। अगर मैं यहां पे टेंथ सेलेक्टेड रखता हूं तो यहां पे देखिए क्या होता है, यहां पे दुर्गेश, सोनू, मोनू, जोया, तो ये क्लास टेंथ के बच्चों के नाम है। अब यहां पे देखिए आपको केवल क्लास टेंथ के बच्चों के नाम दिखाई पड़ रहे हैं। अगर मैं यहां पर आता हूं और सेलेक्ट करता हूं क्लास सेवेंथ, तो क्लास सेवेंथ के बच्चों के नाम देखिए, राम, श्याम, राजू, ठीक है। तो यहां पर आते हैं तो अब आपको केवल क्लास सेवेंथ के बच्चों के नाम दिखाई पड़ रहे हैं, यानी ये डेटा डायनेमिकली अपडेट भी हो जा रहा है। ये मैंने कैसे किया आइए आपको बताता हूं। यहां पर सेकेंड शीट पे आते हैं, यहां पर जैसे ही आएंगे तो आप देख सकते हैं ये हमारी शीट है। अब यहां पर मैं क्या करता हूं, इसको सेलेक्ट करता हूं, ये जो हिस्सा है ना इसको सेलेक्ट करना है आपको और कंट्रोल बटन प्रेस कर लेना है। कंट्रोल प्रेस करके दूसरा वाला डेटा आपको सेलेक्ट करना है, यानी क्लास टेंथ का भी डेटा आपको कर लेना है सेलेक्ट। कंट्रोल आपको बटन प्रेस किए रहना है। इसी तरीके से तीसरा यानी क्लास इलेवेंथ का और ट्वेल्थ का भी डेटा आपको सेलेक्ट करना है। कंट्रोल बटन एक बार प्रेस करने के बाद आपको नहीं छोड़ना है, ठीक है। ये हमने पूरा डेटा कर लिया है सेलेक्ट, अब आप कंट्रोल बटन को छोड़ सकते हैं, ठीक है। सिंपली चले जाइए फॉर्मूला बार में, तो ये फॉर्मूलाज दिख रहा है। यहां पर आएंगे तो ये क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन लिखा हुआ है और यहां पर ऊपर आपको शॉर्टकट की भी दिखाई पड़ेगी, कंट्रोल शिफ्ट एफ थ्री। आप कंट्रोल शिफ्ट एफ थ्री प्रेस कर सकते हैं या क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन, इस पे भी क्लिक कर सकते हैं। यहां पर यह विंडो ओपन हो जाती है, आप देख सकते हैं यह लिखा हुआ है क्रिएट नेम फ्रॉम सिलेक्शन, तो बस इस पर टिक रखिएगा, बाय डिफॉल्ट इसी पर टिक रहता है। टॉप रो को सेलेक्ट करके ओके कर दीजिएगा, काम हो गया है। अब अगर आप नेम बॉक्स में आते हैं तो आप देख पाएंगे यहां पर आपको बहुत सारी लिस्ट दिख रही हैं, ठीक है। यहां पर हमने नाइन्थ, टेंथ, इलेवेंथ और ट्वेल्थ बनाया है, तो नाइन्थ ऑलरेडी पहले से था, टेंथ, इलेवेंथ और ट्वेल्थ आपको दिख रहा है, ठीक है। अब हमें करना क्या है, ऊपर मैं लिख लेता हूं क्लास, ठीक है। ये लिखा मैंने सी एल ए डबल एस, यानी क्लास यहां पर आएगा और नेम ऑफ स्टूडेंट यहां पर आएगा, तो ये लिख देते हैं नेम ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। तो ये लिख दिया मैंने नेम ऑफ स्टूडेंट, और नेम ऑफ स्टूडेंट लिखने के बाद हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा रिसाइज भी कर लेते हैं, तो ये रिसाइज कर लिया। अब यहां पर आते हैं और एक ड्रॉपडाउन लिस्ट क्रिएट कराएंगे, डेटा टैब पे जाएंगे और यहां पर मिलेगा आपको ड्रॉपडाउन लिस्ट, ठीक है, डेटा वैलिडेशन। तो यहां पर आ जाइए और यहां पर आने के बाद इसको लिस्ट बना लीजिए और क्लास का नाम क्या है ये नाम दिया हुआ है, इसी को आपको लेना है सिलेक्शन में, तो पहले यहां क्लिक कर दीजिए और फिर ये पूरी लिस्ट जो है आप कर लीजिए सेलेक्ट इस तरीके से, ठीक है। ये कर लिया, केवल आपको क्लास का नाम ही सेलेक्ट करना है, ओके कर दीजिए। जैसे ही ओके करेंगे तो आप देख पाएंगे कि यहां पर आपको क्लासेस के नाम नजर आएंगे, नाइन्थ है, टेंथ है, इलेवेंथ है और ट्वेल्थ है। इसके बाद फिर यहां स्टूडेंट के नाम पे आना है और आ करके आपको क्या करना है, वापिस से डेटा वैलिडेशन पे जाना है। जैसे ही आएंगे डेटा वैलिडेशन पर तो यहां पर आपको वही लिस्ट सेलेक्ट करनी है और यहां पे एक फॉर्मूला यूज करना है और वो फॉर्मूला है इनडायरेक्ट का, तो आप यूज कर लीजिए इनडायरेक्ट। ये लगा दिया हमने इनडायरेक्ट, ब्रैकेट को कर लिया ओपन। अब यहां पे क्या करना है, यहां पे आपको देखना है कि आपका डेटा कहां पर आएगा, यहां ये जो डेटा है क्लास वाला आप इसी पे कर दीजिए क्लिक। ध्यान रखिएगा कि दोनों ही चीजें रो और कॉलम फिक्स होने चाहिए, डॉलर लगा होना चाहिए दोनों के पहले, और ब्रैकेट को क्लोज कीजिए और यहां से कर दीजिए ओके। ये ओके कर दिया। अब यहां पर हम आते हैं तो देखेंगे कि यहां पर अगर मैं क्लास नाइन्थ सेलेक्ट करता हूं तो ये देखिए नाइन्थ में राम श्याम बच्चों के नाम है, और यहां पर जैसे ही आते हैं तो आप देखेंगे कि यहां नाइन्थ में राम श्याम राजू सचिन ये सब दिख रहा है नाम, ठीक है। अगर मैं यहां से नाम चेंज करता हूं, मतलब क्लास चेंज करता हूं, तो क्लास टेंथ कर देता हूं, तो क्लास टेंथ में अभि, शिवम, बबलू ये सब नाम है, तो यहां पर आते हैं तो आप देखेंगे कि अभि, शिवम, बबलू, डब्लू ये सब नाम आपको दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है। फिर यहां पर आते हैं तो वापिस से नाम चेंज करते हैं, मतलब क्लास का नाम, तो ये क्लास का नाम चेंज किया, इलेवेंथ कर दिया। अब इलेवेंथ में सीता, गीता, लोकेश, रितेश ये नाम आपको दिखाई पड़ेगा, तो ये देख सकते हैं सीता, गीता, लोकेश, रितेश ये नाम आपको दिखाई पड़ रहा है। फिर यहां से अगर आप नाम चेंज करते हैं क्लास का तो आप देखेंगे कि यहां पर आपको वो नाम चेंज मिलेगा, ईशा, रीत, अमृत, युवराज ये सब नाम आपको देखने को मिलेगा। तो ये ड्रॉपडाउन क्रिएट करना इजी है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है और आप ये ड्रॉपडाउन क्रिएट कर पाएंगे, ओके। आई होप कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी, अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।